अरे हाँ हाँ प्रद्युमन, डोंट वरी, कारिका पहुंच गई है लैब में, वो सारी की सारी रिपोर्ट तुम्हारे पास ब्यूरो में भिजवा देगी यार। नहीं मैं बस निकलता हूँ 5 मिनट में, नाश्ता कर लूँ यार बस। क्या बात करते हो यार, नाश्ता तो करने दो यार, भूखा मारोगे क्या मुझे? बॉस जितनी मेहनत मशक्कत तुम लोग मुझसे करवाते हो ना, उसके हिसाब से मुझे दुगना नाश्ता करना चाहिए, दुगना। हाँ हाँ मैं निकलता हूँ बस नाश्ता करके। अरे बलवंत, अरे नाश्ता करवाएगा आज ही या मैं भूखा रहूं यार? ये कहाँ गया बलवंत, तो किचन में नहीं है। बलवंत जी, यार बलवंत तू नाश्ता कराएगा आज या भूखा बैठा रहूं मैं? सब नाश्ता तैयार है, मैं बस अभी लेके आता हूं। एक मिनट बलवंत, तुम्हें किचन में होना चाहिए, बाहर से कहां से आ रहे हो तुम? वो दूध खत्म हो गया था ना, तो बाजार तक गया था। यार दूध बाद में नहीं आ सकता, तुझे कितनी बार कहा है जब बाहर जाओ तो बता के जाया करो यार। चलो नाश्ता तैयार करो, चलो जल्दी करना, लेट हो रहा हूं मैं। बैठे मत रहना वहीं पर। क्या यार, कुछ नहीं हो सकता है इसका यार। ये बलवंत भी ना, बहुत देर हो गई। अरे बलवंत वो एसीपी साहब मेरा नाश्ता बना देंगे यार। क्या चलता रहता है इस लड़के, जल्दी आ जल्दी। रखो यहां पर, यहां छोड़ जाओ, तुम मेरा कमरा साफ करो, जाओ। अंधे में नीला नीला, अंधा नीला कब से होने लगा यार? ओह माय गॉड, ये यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सालूखे, सालूखे कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ये यहां कैसे आई यार? यहाँ कैसे आई बलवंत? बस साहब नमक कम है क्या? अरे नमक के बच्चे, ये देख, ये यहाँ कैसे आई? लेट मीन मक्खी, और ये कोई साधारण मक्खी नहीं है बलवंत, ये बहुत खतरनाक मक्खी है, ब्लू बॉटल फ्लाई। ब्लू बॉटल, वो सब छोड़ो, जब आदमी की लाश सड़ने लगती है ना, तब सबसे पहले ये जहरीली मक्खी पैदा होती है उसके शरीर में, बहुत खतरनाक है। ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं साहब, मैंने तो जब आमलेट बनाया था तब मक्खी नहीं थी। नहीं थी तो ये अपने आप आ गई यहाँ पर? साहब मैं तो दूध लेने चले गया था। दूध लेने गया था, चलो अब किचन चेक करो, चलो। अच्छी तरह से पता लगाना पड़ेगा बलवंत, आखिर इस मक्खी का चक्कर क्या है। साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मक्खी आई कहाँ से। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है बलवंत, ये मक्खी आई तो आई कहाँ से। एक बलवंत, ये खिड़की खुली थी जब तुम दूध लेने गए? जी साहब, खिड़की तो मैं खुली छोड़ गया था। यार तुमसे कितनी बार कहा है बलवंत, जब भी बाहर जाओ खिड़की दरवाजे बंद करके जाया करो, तुम्हारी समझ में कुछ बात आती नहीं है यार। साहब आइंदा से ध्यान रखूंगा। क्या ख्याल रखोगे साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की के बाहर कोई लाश पड़ी हुई हो और वो गल रही हो और वहां से ये मक्खी उड़ के आ रही? नहीं ऐसा नहीं हो सकता बलवंत, क्योंकि इस खिड़की के बाहर कहीं भी कोई लाश सड़ रही होती तो इतनी जबरदस्त बदबू आती कि हमारे यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाता। तुम्हें बदबू आ रही है? नहीं सर। तो फिर? नहीं नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। ये क्या है? और इतनी सारी ब्लू बॉटल फ्लाइज मेरे किचन में? ये डब्बा किचन में कहाँ से है? मुझे नहीं पता, जब मैं दूध लेने गया था तब तो ये डब्बा यहाँ पे नहीं था। साहब मुझे लगता है कि ये आसपास के बच्चों की शरारत है। नहीं नहीं, ब्लू वाटर फ्लाइज बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई ना कोई और चक्कर है। ठीक है मैं लैब में जा रहा हूँ, तुम ये सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से चेक करके बंद कर लेना, समझे? जी साहब। देखना पड़ेगा आखिर ये ब्लू वाटर फ्लाइज का चक्कर क्या है। अच्छा ही था गाड़ी में छतरी थी। तारिका, तारिका, अरे तारिका, ये तारिका कहाँ गई? मैंने तो सोचा लैब में पहुंच गई होगी, कहाँ जा सकती है? वो हो सकता है एसीपी साहब को फाइल देने गई हो, जरा फोन करके पता करता हूँ। घंटी, घंटी तो लैब में बज रही है, मतलब तारिका का फोन यही कहीं है लैब में।
मालिका का बैग? तुम तो इस बैग में समझ रहा है? चेक तो करना पड़ेगा। ये तो मेरा ही नंबर है। कमाल है, तारिका का बैग यहाँ पर है, उसका फोन यहाँ पर है, पर तारिका यहाँ पर नहीं है। ये कहाँ जा सकती है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो बिना बताए लैब से कहीं गई हो। प्रद्युमन से पूछता हूँ। हेलो, हाँ प्रद्युमन, सालुक है। हाँ वो तारिका आई है ब्यूरो में? क्या नहीं आई? माय गॉड, नहीं नहीं, अरे यार उसका बैग लैब में है, उसका फोन लैब में है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके मैं देखता हूँ। क्या कहाँ जा सकती है? ऐसा तो करती नहीं कभी तारिका, शी इज वेरी रेस्पॉन्सिबल। अरे अरे मनु। जी साहब। ये तारिका मैडम कहाँ, कुछ पता है? तारिका मैडम सुबह सुबह आई तो थी, लेकिन अचानक बाहर चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं साहब, मुझसे बोल के गई थी कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन तब से एक घंटा हो गया। एक घंटा? जी साहब। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है वो तो हमेशा बता के जाती है। लेकिन साहब आप परेशान क्यों दिख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है मनु, तारिका मैडम तो बिना बताए कहीं जाती नहीं है। तुम बता रहे हो एक घंटे से कहीं गई हुई है। साहब मैं एक बात बोलूं? बोलो। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, शायद मैडम आ जाए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो तुम काम करो, मैं इंतजार करता हूँ। बैग यहाँ छोड़ गई, फोन यहाँ छोड़ गई, दो घंटे हो गए और इस तारिका का कोई अता पता नहीं, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। मुझे एसीपी प्रद्युमन को जाकर के बताना पड़ेगा, तारिका का बैग और उसका फोन भी साथ में ले लेता हूँ। ये ब्लू बॉटल फ्लाइज भी ले चलता हूँ, हो सकता है इसका और इसका कोई चक्कर हो। विद्या, तारिका ने कुछ तो बताया होगा, फोन किया होगा। अच्छा वो कुछ कह के गई थी कि ऑफिस के बाद कहीं जाने वाली है? नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, तारिका के घर पे कोई खबर नहीं उसकी, और उसकी नौकरानी है, उसे कुछ पता नहीं सर। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है, पहले मेरे नाश्ते में ब्लू बॉटल फ्लाइज और अब तारिका गायब हो गई। सरण की एक बात बता। क्या? तू जहाँ पर रहता है वहाँ पर पहले कभी किसी ने तेरे साथ कोई मजाक किया था? नहीं बॉस, मेरे साथ ये मजाक पहली बार हो रहा है। तो फिर सारुंखे ये मजाक नहीं है, ये किसी की जानबूझकर की हुई हरकत है। नहीं तो एक फोरेंसिक सर्जन के घर पर मरी हुई ब्लू बॉटल फ्लाइज भेजना और फिर फोरेंसिक लैब में से उसके असिस्टेंट का गायब होना, दोनों बातें हजम नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों बातें जुड़ी हुई है। मतलब सर जिसने ये ब्लू बॉटल फ्लाई डॉक्टर साहब के घर पे भेजा उसी ने तारिका को भी गायब किया है, उसी ने। मुझे तो लगता है तारिका को किडनैप किया गया है, क्योंकि तारिका अगर कहीं पर भी जाती तो किसी ना किसी को तो बता के जाती। सर तारिका को किडनैप हुए 5 घंटे हो गए, और अगर वाकई में उसका किडनैप हुआ है तो फिर किडनैपर ने अभी तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया, कोई फोन तो नहीं है। साहब ये गंगलू, ये क्या? साहब ये पार्सल कोई गेट पे छोड़ गया। कौन, तुमने देखा उसे? नहीं साहब, दरअसल मैं टॉयलेट गया था, वापस आया तो देखा गेट के पास ये पार्सल पड़ा हुआ है। तुमने उठाया क्यों इस बॉक्स को? कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बॉम्ब भी हो सकता है गबरू। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इसे मैं यहाँ ले आया। दे, संभल के ले लो, टेबल पे रखो। जाओ तुम जाओ। अब इस बॉक्स में कौन सी नई मुसीबत है यार? विनीत, बॉम्ब डिटेक्टर लेकर। नहीं सर, इसके अंदर बॉम्ब नहीं है। खोलिए सर।
ये तो तरबूज है सर। ये सीढ़ी, ये सीढ़ी डॉक्टर सालुंके के नाम है। मेरे नाम पे सीढ़ी? जरूर इस सीढ़ी में कुछ ऐसा है जो तारिका से जुड़ा हुआ है। वही होना चाहिए सालुंके, वही होगा इस सीढ़ी में। प्ले करके देखो। माय गॉड, तारिका, तारिका ऐसी हालत में, देख करके दिल दहल रहा है। डॉक्टर, तारिका के साथ और दो लोग भी लटके हुए हैं। मगर तारिका के साथ ये दो लोग हैं कौन? सर, इनको तो बर्फ की सीलों पर लटका रखा है और बर्फ पिघल रही है। प्रतिमन, हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, तारिका भी बर्फ की सीलियों पर है और ये बर्फ पिघल रही है, कहीं तारिका भी कुछ नहीं होगा। तारिका को कुछ नहीं होने देंगे। सर, जिस किसी ने भी ये किया है, एक बार ये हमारे हाथ लग जाए बस। हाँ दया, लेकिन ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का। किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी हमें तारिका को ढूंढना ही होगा। मगर ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे सालुके, ढूंढेंगे, कुछ भी करके ढूंढेंगे, मगर तारिका को ढूंढ कर निकालेंगे। कुछ नहीं होने देंगे उसे। सर, जिसने भी तारिका को किडनैप किया है, उसने CID को चैलेंज किया है, उसने जानबूझ के ये सीढ़ी भेजी है हमारे लिए। वो खुद चाहता है कि हम तारिका तक पहुंचे। लेकिन सर, इस सीढ़ी में ऐसा कोई भी सुराग नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि डॉक्टर तारिका को कहां छिपाया गया है। भले उस सीढ़ी में कोई सुराग ना हो विनीत, मगर बाहर तो है। उस किडनैपर ने सालुंके के घर पर वो ब्लू बॉटल की मक्खियां भेजी थी। क्यों? कोई तो वजह होगी। तुम्हारा मतलब है सुराग उस ब्लू बॉटल फ्लाइज में है? सालुंके, उस ब्लू बॉटल फ्लाइज का केमिकल एनालिसिस करो, करो टेस्ट, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, अरे फ्रेडी, तुम क्यों आए यहां? अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, 2-3 दिन और आराम कर लेते। मुझे पता चला कि तारिका किडनैप हो गई है, तो मुझसे रहा नहीं गया। सर, कुछ पता चला उसका? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लगे उसी चक्कर में। रेडी, परहेज करना, बाजार का कुछ मत खाना, जॉइंटिस को रिलैप्स होते देर नहीं होती है। हाँ हाँ सर। यार सालुंके, तू इतनी सारी टेस्ट कर रहा है, कोई सुराग भी मिल रहा है या नहीं? मिलेगा बॉस, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, क्या हुआ सालुंके, क्या मिला, कुछ बता तो सही। बॉस, ये ब्लू बॉटल फ्लाइज में टार्टरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये टार्टरिक एसिड की मात्रा वहीं पर ज्यादा होती है जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से फर्मेंटेशन होता है। सालुंके, फर्मेंटेशन जहां पर होता है वहां पर वाइन या शराब बनती है? बिल्कुल, ये ब्लू बॉटल फ्लाइज ऐसी जगह पर होंगी जहां पर अंगूरों को स्टोर करके रखा जाता होगा फर्मेंटेशन के लिए। मतलब हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर बहुत सारे अंगूर सड़ाए जाते हैं वाइन बनाने के लिए। तुम लोग आसपास तारिका के बारे में पूछताछ करो। कमाल है, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये तारिका अचानक गायब कैसे हो सकती है? वही तो, तारिका अचानक गायब कैसे होगी, ये चक्कर क्या है? वही तो, इसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे सुनो भाई। जी साहब। तुम इस बिल्डिंग में दूध देते हो ना? हाँ साहब। तो तुमने इस लड़की को देखा ही होगा? हाँ साहब, ये तो यही लैब में काम करती है ना, सालुंके साहब के यहाँ। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इनका नाम है डॉक्टर तारिका। ये बताओ कि इन्हें आखिरी बार आपने कब देखा था यहाँ? आज ही सुबह की बात है साहब, बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पे खड़ी होकर इंतजार कर रही थी? हाँ साहब। किसका इंतजार कर रही थी? शायद उसी लड़की का जो कुछ पल बाद उससे मिलने आई। ये लड़की आई थी मिलने? हाँ साहब। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पर एक बात है साहब। क्या बात है? जैसे ही वो लड़की तारिका मैम साहब के सामने आई, उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और बेहोश हो गई? हाँ साहब। फिर वो लड़की उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ से ले गई। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं साहब, मैं दूर था ना, इसलिए देख नहीं पाया। अब जा सकते हैं। जी साहब। ये एक बात समझ में नहीं आ रही, तारिका अपनी दोस्त को देख के बेहोश क्यों हो गई? बड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करते हैं, तारिका के घर चलते हैं।
कुछ हाथ लगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। कुछ हुआ होगा तो मिलेगा ना, ये एक जगह बची है, शायद कुछ मिल जाए। चलो देखते हैं। वो देखो, चल के देखते हैं। ये बदबू कैसी? अंगूर के सड़ने से बदबू तो आती है, मगर ये बदबू कुछ ज्यादा ही है। कौन हो तुम लोग? अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ किस लिए? एक केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ओह, तो ये बात है। देखिए, ये जगह सालों से बंद पड़ी है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ क्रिमिनल्स अपना बसेरा बना लेते हैं। वैसे आप है कौन? मैं इस जगह का मालिक हूँ। तो आप यहाँ के मालिक हैं? जी। ये इतना बड़ा बक्सा क्या है इसके अंदर? ये बक्सा मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? यकीन मानिए, ये बक्सा मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कौन छोड़ के गया यहाँ पे। तुम इस जगह के मालिक हो और तुम्हें पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा बक्सा यहाँ कौन रख के गया? सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जगह बंद पड़ी रहती है और मैं यहाँ ज्यादा आता जाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता ये बक्सा कौन छोड़ के गया यहाँ पे। बक्सा खोलो। माय गॉड, लाश! ये लाश यहाँ कैसे? तुम इस जगह के मालिक हो, तुम्हें पता नहीं है कि बक्सा यहाँ पे कौन रख के गया? तुम्हें ये पता नहीं कि लाश कहाँ से आई? पता क्या है तुम्हें? सर, इसे तो बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके चेहरे में और इसके शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसा दिए। बहुत तड़पा तड़पा के मारा है इसे। कहीं तुम हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर, टैग तो बिल्कुल वैसे ही जैसे लाशों पे वो लगा होता है। हाँ सर। कहीं आदमी यहाँ आने से पहले मरा हुआ तो नहीं था? पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, सीआईडी और डॉक्टर सालुंके को मेरी तरफ से तोहफा। ये आपका अगला सुराग है। मैम सावन, जरूर वही होगी। सब आप लोग, क्या कुछ पता चला तारिका मैडम के बारे में? वो ठीक तो है ना? इंडिया, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर तारिका बिल्कुल ठीक हो। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत, तारिका को कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, थैंक यू, रहने दो। इंडिया, ये बताओ, डॉक्टर तारिका से आजकल में कोई मिलने आने वाला था क्या? हाँ साहब, उनकी एक दोस्त मिलने आने वाली थी, पिया मैडम। पिया? ये वो लंदन वाली पिया? हाँ साहब, वही। अरे, तुम पिया को जानते हो? ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन तारिका ने एक दो बार बताया था उसके बारे में। उसके कॉलेज की फ्रेंड है, कोलाबा में रहती है। सर, तारिका के गायब होने से पहले जो लड़की उससे मिलने आई थी, कहीं वो पिया ही तो नहीं है? हो सकता है। अब इंडिया, डॉक्टर तारिका कोई डायरी रखती थी जिसमें वो सारे पर्सनल फोन नंबर्स नोट करती? हाँ साहब, एक डायरी तो है, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेके आओ, लेके आओ। ये लीजिए साहब। अरे देखो सचिन, ये का लंदन वाला एड्रेस, साथ में फोन नंबर भी है। सर, एक काम करते हैं, सर इस नंबर पर कॉल करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि तारिका से जो लड़की मिलने आई थी वो पिया है कि नहीं। हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। पिया जी, आप तो आज इंडिया आने वाली थी ना? हाँ, वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और सीआईडी मुझे फोन कर रही है। Is everything all right? दरअसल आपकी दोस्त डॉक्टर तारिका आज सुबह से गायब है। क्या गायब है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, वो ठीक तो है? मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के मुंबई आती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ सब संभाले हुए हैं, आप घबराइए मत। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी फ्रेंड डॉक्टर तारिका हमें मिल जाएंगे। डोंट पैनिक, ओके? थैंक यू। अगर ये प्रिया अभी भी लंदन में है तो जो लड़की तारिका से सुबह मिलने आई थी वो कौन हो सकती है? पता नहीं सचिन, पर वो जो कोई भी है उसे तारिका और प्रिया के बारे में सब कुछ पता है।
लेकिन उसने तारिका को क्यों किडनैप किया है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ सचिन, जल्द से जल्द। ये कैसे हो सकता है? ये बेदर्दी से मारा है इस बेचारे को। ये मुर्दागर का टैग और फिर ये लकड़ी के टुकड़े इसके चेहरे में घुसाए। जिस तरह से लकड़ी के टुकड़े इसके चेहरे में घुसाए गए हैं और बाकी शरीर के हिस्से में, समझ में नहीं आता ये कैसा तरीका है मारने का। मैं भी यही सोच रहा हूँ बस। सड़ुंखे, ये सुराग है अगला सुराग। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपर हमें इस तरह के सुराग देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? नहीं सचिन, जरा सोचो। इस किडनैपर ने पहले वो मरी हुई ब्लू बॉटल मक्खियां भेजी सड़ुंखे के पास, जो हमें सड़ुंखे के घर में से मिली, और फिर उन मक्खियों के जरिए हम उस वेयर हाउस में पहुंचे जहां पर हमें ये लाश मिली। दो दो सुराग मिले हमें एक साथ। ये किडनैपर ऐसे सुराग भेजकर हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। हर मोड़ पर नया सुराग भेज रहा है, नया सुराग। एक बात और बॉस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ये आदमी पहले से मरा हुआ था। इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए और मौत की वजह थी कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, तो मरे हुए 48 घंटे हो गए, तो इसका एक ही मतलब है कि ये लाश किसी मुर्दा घर से लाई गई है, मुर्दा घर से चुराई गई है। एक बात और बॉस, ये जो लकड़ी के टुकड़े हमें इसके शरीर में से मिले हैं, ये कोई आम साधारण लकड़ी नहीं है, ये काठ की लकड़ी है। काठ की लकड़ी? काठ की लकड़ी? हाँ बॉस, और काठ की लकड़ी तो काफी दिनों तक टिकी रहती है, जल्दी खराब नहीं होती। तो फिर सड़ुंखे, ऐसी लकड़ी तो हर फर्नीचर की दुकान में या फिर लकड़ी की दुकान में नहीं मिलेगी। बिल्कुल बॉस। एक बात और बॉस, मुझे इसके शरीर पर ये, मगर सर लाश को इस तरह से दांतों से काटने का क्या मतलब है? ताकि इस निशान के जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सके जिसने इसे काटा है। और बॉस, मैंने इस दांत के काटे हुए से सलाइवा टेस्ट किया है और मुझे ये पता चला है कि जिस किसी ने भी इसे काटा है उसे तंबाकू खाने की जबरदस्त आदत थी। तंबाकू की लत? और एक सुराग, पहले ये काट के लकड़ी के टुकड़े और ये तंबाकू चबाने वाला आड़े टेढ़े दांतों वाला आदमी, इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये काट की लकड़ी के टुकड़े और तंबाकू, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लकड़ी और तंबाकू, हाँ, ज्यादातर लकड़ियों के दुकानों में या फर्नीचर के दुकानों में काम करने वाले लोग तंबाकू चबाते हैं। तो पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी दुकानें हैं जहां पर ये काठ की लकड़ियां रखी जाती या फिर काठ की लकड़ियों से फर्नीचर बनता है, वहीं पर मिलेगा ये तंबाकू चबाने वाला आदमी। और फिर ये लाश जिस पर वो तंबाकू चबाने वाले आदमी के दांतों के निशान, ये लाश भी तो किसी मुर्दा घर से चुराई गई है। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स के मुर्दा घर है जहां से लाशें गायब है। सर, ये कांदीवली का मुर्दा घर है और दो दिन पहले यहाँ से 3 लाशें गायब हुई हैं। कांदीवली के मुर्दा घर से 3 लाशें गायब हुई हैं? जी हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं जो तारिका के साथ जो 2 लोगों को लटकाया गया था वो लोग नहीं बल्कि 2 लाशें इन 3 लाशों में से है ना? एक काम करो सचिन, अच्छी तरह से पता लगाओ। लगता है उस मुर्दा घर में से कोई तो है जो इस किडनैपर से मिला हुआ है। अच्छी तरह से पता लगा। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। ओके सर। दया, ये लकड़ी के टुकड़े, ये किडनैपर कोई साइको है सर? ये लकड़ी के टुकड़े, डेड बॉडी के ऊपर आड़े तिरछे दांतों के निशान, कोई आम किडनैपर इस तरह की हरकत नहीं करेगा सर। हाँ, इम्तिहान ले रहा है हमारा, मगर भूल रहा है कि ऐसा करके आग में तेल डाल रहा है। सर मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे मुर्दा घर से 3 लाशें गायब हुई है। कमाल के सुपरवाइजर हैं आप ही के मुर्दा घर से आपकी नाक के नीचे 3-3 लाशें चोरी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और ये काम आपके ही किसी स्टाफ के आदमी ने किया है जो पैसे खाकर इंसानों की लाश बेच रहा है। ये जो चोरी हुई ये कौन कौन सी लाशें थी, कम से कम ये तो बता सकते हैं आप? जी, ये 11 नंबर, ये 19 नंबर और ये 25 नंबर। 25 नंबर? सर हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। और सर ये 3 लाशें लावारिस हैं। इसका मतलब इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है?
जी सर। सर ये जो कोई भी कर रहा है कमाल का दिमाग है उसका। जब इन लाशों के बारे में पूछने वाला कोई है ही नहीं तो फिर इनके गायब होने की रिपोर्ट कौन लिखवाएगा? सर सर ऐसे तीन स्टोर्स का पता चला है जहां पर उस तरह की लकड़ी और उनसे बनाए हुए फर्नीचर बेचे जाते हैं। एक वर्ली में, एक बांद्रा में और एक विरार में। वर्ली में, विरार में और बांद्रा में, और मुर्दाघर एक कांदिवली में। तो दया सबसे करीब बांद्रा। तो फिर लकड़ी की चोरी जरूर बांद्रा की किसी दुकान में से हुई होगी दया। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं। तुमने इन स्टोर के मालिक को बता दिया ना कि अपने स्टाफ को कुछ न बताया कि हम लोग आने वाले हैं? उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि अपने स्टाफ को कुछ न बताए। गुड है। अगर ये लकड़ी चोरी करने वाला आदमी और ये आड़े और तिरछे दांत वाला आदमी, अगर ये दोनों भी एक ही आदमी है तो समझ जाओ कि हम तारिका तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। सर, 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 ये दोनों वो वार्ड बॉयज हैं जो लाशों के एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या नाम है तुम दोनों का? मुकुंद। और तुम्हारा? गगन साहब। मुकुंद और गगन, बताओ लाशें कब चोरी हुई थी? 1 जुलाई को साहब। उस दिन हम लोग नाइट ड्यूटी पर थे साहब। 1 जुलाई को। शायद तुम लोगों को दिन में सोने का मौका नहीं मिला इसलिए रात में सो गए ड्यूटी पे। एक नहीं, दो नहीं, 3 लाशें चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। सर मैं भी इनसे। सुपरवाइजर साहब प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप चुपचाप वहीं पर खड़े रहिए और तुम अपना मुंह खोल सकते हो। साहब उस रात बाहर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, हम वो देखने के लिए भाग कर बाहर गए, उसी दौरान किसी ने लाशें चुरा ली। सही बोल रहे हैं? जी साहब, पर उस रात किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था साहब, किसी गाड़ी वाले ने बहुत ही तेजी से ब्रेक लगाए थे साहब, वही आवाज सुनकर लगा कि। ये आवाज सुनकर कैसा लगा? फिर झूठ बोला तो फिर मारूंगा। लाशें यहाँ बेसमेंट में रखी जाती है, ये पूरा कमरा चारों तरफ से एयर टाइट है, सील बंद, बाहर बम भी फटे तो उसकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। हम सच बोल रहे साहब। बोला ना, झूठ बोला तो नहीं। बोल बोल फिर से, झूठ बोल, बोलो झूठ बोल। हमसे गलती हो गई साहब, हमने सब पैसों के लिए किया, हमें माफ कर दीजिए साहब, हम लालच में आ गए थे साहब, हमने सोचा लावारिस लाशें हैं, कौन पूछेगा इनके बारे में। मगर अब हम पूछ रहे हैं किसने दिए थे पैसे तुम्हें? लॉरी वाले ने दिए थे साहब। लॉरी वाले? कौन लॉरी वाला? वही साहब जो तीनों लाशें लॉरी में डाल के लेके गए साहब। रेडी, इन दोनों को कस्टडी में ले और इनसे लॉरी और लॉरी वाले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल। अरे शिवम जरा संभाल के रखो, कीमती चीज है, कस्टमर ने बड़े प्यार से बनवाई है, एक बार अगर टूट गई ना तो फिर वो हमें ही। सुनिए। हाँ जी कहिए। जी मैं CID से हूँ। CID से? जी हाँ। मुझे एक बात बताइए कि आपकी दुकान से 2 या 3 दिन पहले कुछ लकड़ियाँ चोरी हुई हैं। सर मैंने तो कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। तो फिर आपको कैसे पता चला? अब हमें कैसे पता चला ये सब बातें आप छोड़िए, अगर मैं आपको समझाना भी चाहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं ये लकड़ियाँ किसने चुराई? सर मेरे यहाँ ही काम करने वाला आदमी था करम, वही लकड़ी चुराता था। इस आदमी के दांत कुछ आड़े टेढ़े हैं क्या? बहुत तंबाकू खाता है। अरे एक नंबर का तंबाकू खोरे चोर कहीं का। बुलाइए उसे। अब वो यहाँ नहीं है सर, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। अभी? अभी निकाला, अभी। कुछ आइडिया है कहाँ मिलेगा वो? अभी तो वो किसी नुक्कड़ पे या तो बस स्टॉप पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू। दया सर। इतना लेट कितना बज गया? 10 बज गया होगा। अरे तो लेट बस कहाँ, देखिए लेट है, लगता ट्रेन लेट है यार। भाई साहब अखबार आज का है, मुझे देंगे जरा प्लीज? अरे भाई साहब क्या हुआ, ठीक तो? अरे भाई साहब क्या हुआ, अरे भाई साहब क्या हुआ, अरे सब ठीक तो भाई साहब क्या हुआ? अरे अरे पानी ला कोई पानी। अरे अरे आप लोग खाए, रुके रुके पानी लेके डॉक्टर बुलाओ। अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे रुके कोई पानी लेके। अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे कोई तो आओ यार। क्या भाई साहब? पता नहीं सर, मैंने अखबार मांगा पढ़ने के लिए और फिर ये अचानक गिर पड़ा। तुम मर गया सर? कहीं ये करम तो नहीं? इसके दांत देखो आड़े तेरे। अरे ये तो करम ही है। मर कैसे गया? बोलता सर। कोई घाव के निशान तो है नहीं सर? जरा पॉकेट चेक करो। अगर तुम लोगों ने पता लगा लिया कि करम को किसने मारा है तो तुम लोग तारिका के और भी करीब पहुंच सकते हो।
तुम लोग तो वहीं पर थे ना जब करम मारा गया, और तुम कह रहे हो कि तुमने खूनी को देखा तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर हम सच कह रहे सर, वो हमारे साथ खड़ा था, लेकिन सर वहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था सर जो उसे मारे या जिससे हम शक कर सके सर। आपने कहा कि आपने करम से अखबार मांगा था। जी हाँ सर, जैसे ही उन्होंने मुझे अखबार दिया उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया और वो नीचे गिर पड़े और वहीं पर मर गए। करम मरा क्योंकि उसके घुटने के पीछे से किसी ने वो जहरीली पिंच हुई थी, तो वो आदमी आसपास ही कहीं होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको किसी पे शक नहीं। सर आप लोग भी तो वहाँ पर थे जब करम मरा, और जैसे ही वो मरा आप तुरंत वहाँ पर पहुँच गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों जा सकते हो, अगर हमें जरूरत पड़े तो वापस बुला लेंगे। ठीक है जी सर। शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं, समझे? ठीक है सर, जा सकते हो। एक बात मैंने समझ में नहीं आ रही है कि खूनी तुम्हारी नजरों से कैसे छूट गया जबकि तुम वहीं पर थे आसपास। सर हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ओह नो। क्या हुआ? सर वो आदमी, उसने ब्राउन कलर का सूट पहन रखा था, उसके हाथ में रंग बिरंगा छाता था। रंग बिरंगा छाता था, तो वो लंबा वाला या? हाँ सर, शायद वो छाता ही हथियार था सर, शायद खूनी ने उसी के जरिए करम को पिंच हुई होगी। सर अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? किसी भी तरह से हम ढूंढ लेंगे उसे श्रेया, ढूंढ लेंगे। अब वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। काम करो, फिर से उस बस स्टैंड और आसपास में जाकर छानबीन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा वहां पर। आप रेडी? सर उस लॉरी का पता चल गया जिससे लाश ले जाई गई थी। पता चल गया? कोई मिस्टर जग्गी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी चला था, खार में उनकी कंपनी। गुड दया, उस लॉरी का पता चल गया है जिससे लाशें ले जाई गई थी, वो किसी जग्गी नरोसा ट्रांसपोर्ट कंपनी की लॉरी है। उस तरफ तो किसी को कुछ पता ही नहीं, चलो इधर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग सीआईडी से हैं ना? हाँ, मैं इस कैफे में काम करता हूँ सर। आप लोग वो ब्राउन सूट वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं ना जिसके पास नीले रंग का छाता है? लगता है तुम्हें सब कुछ मालूम है। जी सर, आप में से मिस्टर फ्रेडी कौन है? मैं क्यों? सर वो आपसे मिलना चाहता है। वो कौन? वही जिसकी आपको तलाश है। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो तो मुझे नहीं मालूम, कल 6 बजे मिला था वो मुझे, उसने कहा कि वो मिस्टर फ्रेडी से अकेले में मिलना चाहता है। कोई यहाँ पे आने वाला? जी सर 3:30 बजे। सर एक बात, वो फ्रेडी से ही क्यों मिलना चाहता? सर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है सर। फ्रेडी देखो, अगर तुमने हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ने वाला है। सर मैं आपके साथ कोई खेल क्यों खेलूंगा, मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ। और उसने ये भी कहा सर कि मिस्टर फ्रेडी के साथ अगर कोई और हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मतलब तारिका की जान। सर तारिका की जान बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ 10 मिनट बचे, 3:30 बजे में आप लोग जाइए सर। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना कि फ्रेडी सीआईडी के नाम पे कुर्बान हो गए। कुछ नहीं होगा। कहिए, आप लोगों को ड्रग चाहिए? वैसे आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता? भाई आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपका नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम आपकी कंपनी के एक लॉरी को लॉरी कोई पुलिस का चक्कर है क्या? सीआईडी का चक्कर। सीआईडी? क्या बात है साहब। अब हमें ये बताइए कि आपकी गाड़ी नंबर MHC09089 का ड्राइवर कौन है? उसका नाम मनसुख है। बुलाइए उसे। मनसुख, क्या हुआ साहब? इधर आ। अबे तूने कोई लफड़ा किया क्या जो सीआईडी यहाँ आई है? सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, मुकुंद ने या गगन ने? मुकुंद और गगन आजकल जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त है ना वो? क्या बोल क्यों रहे तुम? तो बिना बताए यहाँ पे आके इससे बोलती बंद हो गई तुम्हारी? नहीं साहब, मैंने सब कुछ पैसे के लिए किया था साहब। मुझसे कहा गया था कि गगन और मुकुंद को पैसे देकर लाशों को वहाँ से ले जाना है। कहाँ लेकर गए थे? जिमली गली साहब। जिमली गली? तो तारिका जिमली गली में। कौन तारिका साहब? देखिए तो हमारा बनकर कहाँ है तारिका? मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब,
उससे कहा गया था कि वो तीन लाशों को मुर्दे घर से निकाल के वहाँ झिमली गली तक छोड़ देना है। आया था वहाँ पे? हाँ साहब, एक आदमी को देखा था। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो नहीं देखा, अंधेरा था वहाँ पे। चेहरा नहीं देखा, लेकिन कुछ और तो बताओ उसके बारे में, कौन है, क्या है? लारी में जब वो लाशें लेके जा रहा था तो उसे फोन आया था। वो कह रहा था कि काम खत्म होने के बाद वो कोलाबा जाएगा। कोलाबा जाएगा? वो वहाँ क्या करने जा रहा है? पता नहीं साहब। क्या हुआ फ्रेंड, इतने परेशान क्यों हो? तुम मिले ना उस आदमी से, कौन है वो? सर, जब आप लोगों को पता चलेगा कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है तो आप भी परेशान हो जाओगे सर। अब लेकिन है कौन वो, ये तो बता। बलवंत। What? बलवंत? बलवंत? मतलब मेरे घर पे जो काम करता है वो नौकर बलवंत? हाँ सर, आपके घर का नौकर बलवंत। यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर, जब मैंने उसे कैफे में देखा तो मुझे भी मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सड़क मेरे समझ में नहीं आता, इतने दिनों से ये बलवंत तेरे घर में काम करता था, तुझे अंदाज भी नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि ये कोई गलत आदमी है? भाई मैं भी सोच रहा हूँ, उसने मुझे किसी चीज की भनक तक नहीं लगने दी। अच्छा, क्या बात हुई उसके साथ बताओ। तुम चौंक गए ना फ्रेडी सर। हाँ जरा सलीके से बात कीजिए, यहाँ कोई तमाशा हुआ ना, तारिका को आप हमेशा ढूंढते रह जाओगे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सारी बातें हम छोड़ते हैं, पहले आप ये बताइए कि आप क्या। देखिए नाम मत बोलो, वरना तारिका को पता नहीं कितने दिन और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मुझे पता था आप बहुत दिनों के बाद बीमारी से ठीक हुए हैं ना, परहेज चल रहा होगा। नहीं के लिए एक आइस टी लेके आइए। आप मेरे लिए भी एक आइस टी ले आइए। जी सर। तुम इतने खुल के सीआईडी के सामने आए हो, डर नहीं लगता तुम्हें? डरता तो तुम्हारे सामने ना बैठा होता, और वैसे भी मुझे पकड़ लोगे तो तारिका का क्या होगा? तुम चाहते क्या हो? सीआईडी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग बहुत बड़े महारत ही समझते हो ना अपने आप को। मैं तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम मेरे इशारों पे नाचते हो, और अब तक नाच भी रहे। आईएसटी पीजी रेडी सर। सिर्फ मेरे दिए हुए सुराग से ही आप लोग तारिका तक पहुँच सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे याद रखो कि कोई आया था जो तुम्हें सही रास्ता दिखा, वरना आप लोग तो ऐसे ही भटक रहे थे। मगर वो सुराग क्या है? वही देने आए तुम यहाँ पे? सुराग तो मैं आपको दे चुका हूँ। दे चुके? और अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ एक बात और, ये जो मैंने आपको सुराग दिया है ना, उसे ज़रा जल्दी से ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो कुछ घंटों में गायब हो जाएगा, और तारिका के पास बहुत कम समय बचे। कौन से चौथे सुराग की बात कर रहा था यार? इसने मुझे सुराग कब दिया? रेडी याद करो, कुछ तो दिया होगा उसने, कोई कागज का टुकड़ा, बातों बातों में कोई हिंट। अरे नहीं सर, मैंने अपनी सारी जेबें टटोली लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर। ये कैसे हो सकता है फ्रेडी? ऐसा कौन सा सुराग दिया उसने तुम्हें? पता नहीं सर, मैं कब से वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ सर? पेट में दर्द हो रहा है। अचानक पेट में दर्द? क्या तुमने उस बलवंत के साथ कुछ खाया पिया तो नहीं? आइस पी ली थी सर। उस आइस टी में कुछ मिला के पिला दिया होगा। अरे पता नहीं सर, उसने मुझे पीने को कहा, मैं पी गया। क्या यार फ्रेडी, उसने कहा पी लो और तुम पी गए? तुमसे कहा था ना फ्रेडी, परहेज रखो खाने पीने में, लेकिन तुम तो यार बस। मुझे लगता है उस आइस टी में ही कुछ है। कर क्या क्या था उस आइस टी में? ऐसा कौन सा सुराग जो घंटों में गायब हो जाएगा? फ्रेडी का स्कैन करना पड़ेगा बस। फ्रेडी को दाई पिलाई गई। हाँ। उसी की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ बस, वो तो अच्छा हुआ हमने फ्रेडी का जल्दी से स्कैन कर लिया, वरना फ्रेडी का तो हाँ? नहीं घबराओ मत फ्रेडी, मैंने तुम्हें जो दवाई दी है उसे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। माय गॉड, सारू की कौन सी दवाई पिलाई फ्रेडी को, और फिर क्यों? बस इस दवाई की वजह से इंसान के शरीर के जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वो सब हाईलाइट हो जाते हैं। मगर फ्रेडी को दवाई क्यों पिलाई? कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। वजह है ना, ये देखो फ्रेडी का ये लीवर हाईलाइट हुआ है, क्योंकि वो जानता था फ्रेडी को हाल ही में जॉइंटिस हो चुका है। अच्छा अच्छा, इसीलिए उसने फ्रेडी को ही मिलने के लिए बुलाया था। एग्जैक्टली अभिजीत, एग्जैक्टली। तो अगला सुराग फ्रेडी के जॉइंटिस से जुड़ा हुआ है। मगर सर जॉइंटिस से हमें क्या सुराग मिल सकता है?
अभी पता चल जाएगा। फ्रेडी, जॉन्डिस की इलाज के लिए तुम गए कहाँ? वीएनपी हॉस्पिटल। हमारा अगला सुराग है वीएनपी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से, अपने एचओडी और सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करिए, हमें अभी ये पूरा हॉस्पिटल चेक करना है। मैं कुछ समझे नहीं, हॉस्पिटल सर? हमें ये हॉस्पिटल चेक करना है, प्लीज फोन करिए। जी। रेडी, तुम यहाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं डॉक्टर, एक केस के सिलसिले से हम लोग यहाँ हैं। सर, ये वही डॉक्टर अभिमन्यु है, इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की थी जॉन्डिस की। हेलो सर, पर बात क्या है? देखिए, एक किडनैपिंग हो गई है और हमें शक है कि वो आदमी आपके हॉस्पिटल में कहीं पे है। इस हॉस्पिटल में? आर यू श्योर? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हमें पूरा यकीन है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई अलग सी जगह है, कोई सीक्रेट जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। हॉस्पिटल का हर कोना सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहता है, चाहे वो बेसमेंट ही क्यों ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो जगह होगी डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी। हाँ, हॉस्पिटल का पुराना विंग हो सकता है। हॉस्पिटल का पुराना विंग? वहाँ पे कोई आता जाता नहीं? नहीं, बल्कि अगले महीने तो वो विंग टूटने वाला है। मुझे लगता है वही जगह होगी। डॉक्टर साहब, वो कहाँ पे है? चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए प्लीज, इधर इधर से आइए सर। ये हमारे हॉस्पिटल का पुराना विंग। पर ये सब क्या? ये तो वही जगह है जो हमने डीवीडी के फुटेज में देखी थी। हाँ सर, और फुटेज में बैकग्राउंड भी है। इसका मतलब तारिका को यही रखा गया था सर। ये बलवंत दो दो लाशें और तारिका को लेके कहाँ गया होगा? यही मैं भी सोच रहा हूँ फ्रेडी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बलवंत को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। कहीं इस बलवंत ने तारिका को? फ्रेडी, तारिका को कुछ नहीं होगा सर। लेकिन ये बलवंत गया कहाँ होगा? हाँ सर, अगली जगह का कोई सुराग भी नहीं दिया है। सुराग तो वो पहले ही दे चुका है। कैसा सुराग सर? याद है दया ने बताया था कि बलवंत जब लाशें लेके जा रहा था तो उसने फोन पे किसी से कुलाबा का जिक्र किया था। कुलाबा में कहाँ पे? सर, ये तारिका की फ्रेंड पिया भी तो कुलाबा में रहती है। करेक्ट सर जी, कुलाबा में रहती है पिया। ये बलवंत जरूर वहीं गया होगा। लेट्स गो। जितना जोर लगाना है लगा लो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सीआईडी वाले मेरे इशारों पर नाच रहे हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि वो लोग तुम्हें ढूंढ तो लेंगे पर जिंदा नहीं, क्योंकि इंसानी शरीर बिजली के झटके को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मुझे तो सब कुछ पता होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो ठहरे। जल्दी करो बलवंत और किस्सा खत्म कर दो इसका। तो मरने के लिए तैयार हो? भागो बलवंत। तारिका। अब कोई फायदा नहीं, मैंने जो करना था कर दिया। सीआईडी को झुकाना था, झुका दिया, इन सबको झुका दिया। तारिका की जो हालत की है तूने, इसके लिए तो सर मारो मुझे, मारो 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 मारो, इसमें तो मेरा ही फायदा। मेरे अखबारों में फोटो छपेंगे, लोग बोलेंगे कि ये है वो जिसने सीआईडी को झुका दिया। साफ दिख रहा है बलवंत, तुम पागल हो, तुम पागल हो। तूने करम को क्यों मारा? वो तो तेरा दोस्त था ना? दोस्त नहीं था, वो हरा था। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था और जब वो मेरे काम का नहीं रहा तो मैंने उसे मार दिया। रजत प्लीज, इसको यहाँ से ले जाओ वरना कुछ हो जाएगा। चल। अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तारिका, संभाल के। तुम ठीक हो तारिका? ठीक हूँ। तूने पिया को क्यों नहीं पहचाना? सब कुछ इतनी अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तुम सही सलामत हो ये बहुत है। मालूम है मैं कितना, हम लोग सब कितने परेशान थे। जैसे कोई बहुत बुरा सपना देखा पूरे दिन। बेचारी तारिका, फोन करके हाल तो पूछ लो उसका।
हेलो तारिका, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, वो मेरे सामने ही है। अब ऐसा करो, आराम करो। हाँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, राइट? गुड नाइट। लाश मिल जाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।